Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कास्ट ग्राफिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आप कैसे नियॉन टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक रेक्टेंगल, ब्लैक रेक्टेंगल डार्क बैकग्राउंड के लिए। एंड इसे हम कर देंगे लॉक। लॉक करने के लिए आप जाएं ऑब्जेक्ट में, लॉक एंड सेलेक्शन। आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल 2। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है टेक्स्ट चाहिए हमें, तो टेक्स्ट के लिए मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करता हूँ एंड वाइट क्लिक। हम कलर चेंज कर लेते हैं अगेन। आपको जो टेक्स्ट चाहिए आप वो टेक्स्ट टाइप कर लीजिए एंड कलर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने जो कलर सेलेक्ट किया है वो है ग्रीन 159 एंड ब्लू 255। अगर आपको कलर कोड लेना है तो आप 009FFF यूज कर सकते हैं, बट ये आप किसी भी कलर के साथ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही कलर डालें उस चीज में। तो जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं इसकी एक डुप्लीकेट रख लेता हूं विथ ऑल्ट। राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइन। क्रिएट आउटलाइन करने के बाद मैं जो फील कलर है उसको स्वैप करता हूँ स्ट्रोक में। हमें सिर्फ स्ट्रोक चाहिए एंड आप थिकनेस इंक्रीज कर लीजिए लगभग 3 पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट मुझे इसकी डुप्लीकेट्स क्रिएट करने हैं, तो विथ ऑल्ट मैं इसकी एक कॉपी ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे एंड अगेन कंट्रोल डी टू रिपीट। तो मैंने इसके 5 कॉपीज निकाले हैं। फर्स्ट को हम एज इट इज रहने देते हैं, सेकंड पे हम अप्लाई करेंगे गॉशियन ब्लर। तो आप जाएं इफेक्ट में एंड ब्लर, गॉशियन ब्लर एंड प्रीव्यू ऑन कर लें एंड गॉशियन ब्लर की जो वैल्यू है फर्स्ट वो 1 रखते हैं। देन अगेन 2 एंड आप इसी तरह इंक्रीज कर दें। नेक्स्ट जो है वो 3 होगा एंड देन नेक्स्ट मैं लेता हूँ 5। हम 4 नहीं लेके मैं एक इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे 5 लेता हूँ एंड आप अरेंज कर लें इसको। अगर ये मिसमैच हो रहा है तो आप सबको एक बार सेलेक्ट करके अलाइन कर लें एंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो कि मैं एक इसमें से और डुप्लीकेट निकालता हूँ एंड इस पे हम अप्लाई करेंगे एंड इस पे अप्लाई करते हैं हम और ग्रेडियंट। यहाँ पे मैं वाइट ब्लू का एक सीरीज क्रिएट कर देता हूँ। आप भी कुछ ऐसा कर लें ताकि अनइवन लाइट क्रिएट हो जाए।
एंड इसे हम रखते हैं यहाँ पे। एक और डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं हम इसका, एंड इस पे हम अप्लाई करते हैं वाइट स्ट्रोक विथ वैल्यू 1। और टू समथिंग अलाइन कर लें अगेन। एक जो डुप्लीकेट हमने रखा था यहाँ पे पहले से, मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड लाइट क्रिएट करने के लिए। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट आउटलाइन करते हैं इसे, एंड हम जाते हैं इफेक्ट ब्लर गॉशियन ब्लर, एंड यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा ब्लर क्रिएट करते हैं। एंड आप राइट क्लिक करें, अरेंज एंड सेंड बैक। इफेक्ट के बैक में मैं यहाँ पे अप्लाई करके इसकी ट्रांसपेरेंसी अराउंड 40 और 60 एंड स्वैप, हमें ये कलर चाहिए इसके बैकग्राउंड में कुछ। आप इसके साथ बहुत सारे मैनिपुलेशन करते हैं, कर सकते हैं जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाए इस चीज़ के साथ। मैं अगेन एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले से बेटर। नियॉन इफेक्ट ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं इसका, जिसके लिए मैं जाता हूँ रिफ्लेक्शन टूल पे एंड विथ ऑल्ट क्लिक करें एंड कॉपी। अगेन एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करें, इसमें मुझे ग्रेडियंट चाहिए ब्लैक एंड वाइट। सेलेक्ट करें टेक्स्ट एंड रेक्टेंगल ट्रांसपेरेंसी एंड क्लिक ऑन मेक मास्क। ओके तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज उसे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। इस तरह आप किसी भी कलर के साथ नियॉन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसे खुद करके देखें।
एंड कीप प्रैक्टिसिंग, सीखते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।